हार्दिक स्वागत है आत्मचिंतन के क्षण। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब बच्चे में इतना उन्नत बन सकता था उससे सोगुना उन्नत बने। तुम लोगों में से प्रत्येक को महान शक्तिशाली बनना होगा। मैं कहता हूँ अवश्य बनना होगा। आज्ञा पालन, ध्येय के प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सदा प्रस्तुत रहना। इन तीनों के रहने पर कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। नीति परायण तथा साहसी बनो। अनंत करण पुण्यतया शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो। प्रणों के लिए भी कभी न डरो। कायर लोगों ही पापा चरण करते हैं। वीर पुरुष कभी भी पापा निष्ठा नहीं करते। यहाँ तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लेते। प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो। बच्चों तुम्हारे लिए नीति परायणता तथा साहस को छोड़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं। इससे इसके सिवाय और कोई धर्म मत मतांतर तुम्हारे लिए नहीं है। कायरता पाप, असदाचरण तथा दुर्बलता तुम्हें एकदम नहीं रहनी चाहिए। बाकी आवश्यक वस्तुएं आप आकर उपस्थित होगी। पूर्णतः निस्वार्थ रहो, स्थित रहो और काम करो। एक बात और है, सबके सेवक बनो और दूसरों पर शासन करने का तनिक भी यत्न न करो। व्यक्ति ईर्ष्या उत्पन्न होगी और इससे हर चीज बर्बाद हो जाएगी। आगे बढ़ो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हम अपने भीतर से ही सहायता लेंगे। अनायास सहायता के लिए हम प्रतीक्षा नहीं करते। मेरे बच्चों, आत्मविश्वास रखो, सच्चे और सहनशील बनो। किसी की उसकी योजनाओं में हतोत्साह नहीं करना चाहिए। आलोचना की प्रवृत्ति का पूर्णतः परित्याग कर दो। जब तक वे सही मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, तब तक उनके कार्य में सहायता करो। और जब कभी तुमको उनके कार्य में कोई गलती नजर आए, तो नम्रता पूर्वक गलती के प्रति उनको सजग कर दो। एक दूसरे की आलोचना ही सब दोषों की जड़ है। किसी भी संगठन को विनष्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरु।